बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय नेम इज़ मदिया शाह। ठीक है, ये आपकी SST की कॉपी है, वर्कशीट नंबर 4 भी जो आपको दी गई थी, यूनिट 4 केयरिंग फ्रेंड्स। सही है, ये काम SST का है। केयरिंग फ्रेंड्स का मैं आपको यूनिट की एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ, मैं अब आपको कॉपी का काम एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट यू मेक समरी। आपको सबसे पहले डेट मेंशन करनी है, यू 4 यानी यूनिट 4, और समरी की हेडिंग डालनी है नंबर 1 पे, राइटिंग, व्हाट्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, फिल द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल, MCQs। ठीक है, ये काम आपको अपनी SST की कॉपी में करना है। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट पेज पे क्या करना है, राइटिंग की हेडिंग डालनी है, डेट मेंशन करनी है, U4 यूनिट 4, एक पेज पे जितनी राइटिंग आती है उतनी आपको लिखनी है। एक वर्ड के बाद आपको एक फिंगर का गैप लाजमन और ज़रूर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और फर्स्ट वर्ड कैपिटल, अदर वर्ड स्मॉल, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा काम होना चाहिए प्लीज़। ठीक है, डेट आपको लाजमन हर पेज पे मेंशन करनी है, यूनिट भी, आप जो काम जिस यूनिट का कर रहे हैं उस पूरे यूनिट के काम पे यूनिट नंबर मेंशन होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह ये U4 यूनिट 4 है। व्हाट्स मीनिंग की आपने हेडिंग डाली, बीच में मार्जिन लाइन आपने खींची। नंबर 1 पे फ्रेंड, फ्रेंड मीन्स दोस्त। 2 लुक, लुक मीन्स देखना। नंबर 3 थिंग्स, चीज़ें। 4 प्ले, खेलना। 5 लिसन यानी सुनना। ओके, क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इज गुड फ्रेंड्स फाइट, के अच्छे दोस्त झगड़ा करते। आंसर, नो नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल नहीं। हाउ गुड फ्रेंड्स मीट विथ इच अदर, सही है, अच्छे दोस्त किस तरीके से आपस में मिलते हैं। आंसर, दे मीट विथ प्लेजर, सही है, ये खुशी के साथ एक दूसरे के साथ मिलते हैं। ठीक है, इज गुड फ्रेंड्स बैक बाइटिंग टू अदर्स, क्या अच्छे दोस्त जो है एक पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करते हैं। आंसर, नो नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स की हेडिंग आपने डाली। ठीक है स्टूडेंट, नंबर 1 गुड फ्रेंड्स डैश टुगेदर, अच्छे दोस्त एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, स्टडी यानी पढ़ाई करते हैं। नंबर 2 गुड फ्रेंड्स डैश टू ईच अदर प्रॉब्लम, एक दूसरे के मसले को अच्छे दोस्त क्या करते हैं, लिसन करते हैं यानी सुनते हैं। नंबर 3 गुड फ्रेंड्स ऑलवेज डैश ट्रूथ, सही, अच्छे दोस्त हमेशा सच क्या करते हैं, स्पीक बोलते हैं। ट्रू फॉल्स पे हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1 गुड फ्रेंड्स शेयर थिंग्स, अच्छे दोस्त एक दूसरे की चीज़ें शेयर करते हैं, ट्रू, सही है, सही है। नंबर 2 वी इंजॉय विद आवर फ्रेंड्स, हम अपने दोस्तों से इंजॉय करते हैं, यस ट्रू, सही है, ये यानी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, सही है। नंबर 3 गुड फ्रेंड्स ऑलवेज स्पीक लाई, अच्छे दोस्त हमेशा झूठ बोलते हैं, लाई मीन्स होता है झूठ बोलना, गलत स्टेटमेंट है तो उसके साथ फॉल्स आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे हम चलते हैं MCQs की तरफ। ठीक है, नंबर 1 डैश फ्रेंड्स शेयर थिंग्स, कौन से दोस्त जो हैं वो चीज़ें शेयर करते हैं, गुड फ्रेंड्स और बैड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, ओके। नंबर 2 वी डैश विद आवर फ्रेंड्स, हम हमारे दोस्तों के साथ क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं या फाइट करते हैं, झगड़ा करते हैं या इंजॉय करते हैं, इंजॉय, इंजॉय पे हम टिक करेंगे। नंबर 3 गुड फ्रेंड्स ऑलवेज डैश ईच अदर, अच्छे दोस्त हमेशा एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प, ठीक है, मदद। यहाँ पे आपके दो ऑप्शन है, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं या इग्नोर करते हैं, ऑब्वियसली हेल्प करते हैं, ओके। यहाँ पे हमारा यूनिट 4 कंप्लीट होता है। आपको सारा जो वर्कशीट का काम था वो सब समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आता तो यू मस्ट इनबॉक्स मी। ओके स्टूडेंट्स।